गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं आप सबको दिवाली के बारे में बताऊंगा। काम पे लग चुके हो ना सर जी? हाँ छोटे, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अभी मजा आएगा ना बिड़ू। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि दिवाली खुशियों का त्योहार है। हम सब दिए जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और बम फोड़ते हैं कुछ लोग। सर जी ये पड़ाका क्या होता है? तुमको पड़ाका नहीं पता? नहीं, सही बताओ। हाँ नहीं पता। अरे बम, सुतली, पड़ाका, यही तो फोड़ा जाता है दिवाली में। जब बात एकदम भट्ट गवार हो। बच्चों, वी आर प्रमोटिंग ग्रीन एंड सेफ दिवाली। एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, बड़े आए ग्रीन दिवाली। ग्रीन दिवाली तो मैं बताता हूँ, समझे बच्चो? अरे ये क्या है? ये है ग्रीन दिवाली। हैप्पी दिवाली। अबे ये ज्यादा हो रहा है भाई, मत करो बे, ये गलत है। तुम सब कान खोल के सुनो। तुम्हें क्या लगता है जिसने ये हरकत करी है वो बच जाएगा? वो जरूर पकड़ा जाएगा। और मैं इसी वक्त एक एंटी पड़ाका टीम बनाने जा रहा हूँ, जो ये ध्यान देगा कि दिवाली आने तक और दिवाली जाने तक कोई भी स्कूल में पड़ाका लेकर ना आने पाए। और इस टीम के मेंबर होंगे लोकी, थैनोस और कैप्टन। ये मेरे अंडर रहेंगे। अब बताऊंगा सालो, एक एक से बदला लूंगा। भाई थैनोस देख, तू एंटी पड़ाका टीम में जा तो चुका है, मगर ये प्रॉमिस कर कि तू हम सबका नाम नहीं लेगा। अबे जा बे, रो मत। चल ठीक है, खुद से नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर तूने मेरी आंखों के सामने कुछ करा तो मैं निक फ्यूरी को बता दूंगा। अबे हम एंटी पड़ाका टीम की आंखों के सामने से बम फोड़ के जाएंगे और तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। और क्या, अगर तुम एंटी पड़ाका टीम हो तो हम भी पड़ाका फोड़ू टीम है। ईंट से ईंट बजा देंगे, इतना बम मारेंगे स्कूल में कि धुआं धुआं कर देंगे। अरे रिलैक्स मकड़ी, तुम भी यही हो और हम भी यही है, देखते हैं किसमें कितना है दम। बम चिकी चिकी बम, चिकी चिकी बम 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 चिकी चिकी बम। मैं तो पड़ाका टीम के साथ ही हूँ, इसी बहाने फ्री में पड़ाके मिल जाएंगे। एक तरफ है मैं लाल मकड़ी और काला उड़न खटोला, गजब बेइज्जती है। और दूसरी तरफ है तुम, गधे की सींग, सड़ा हुआ बैंगन और लैब की बोतल। अब देखते हैं दिवाली के टाइम पे स्कूल में धमाके होते हैं या सन्नाटा रहता है। जाओ एंटी पड़ाका टीम, कहीं से भी पकड़ के लाओ जिसने पड़ाका फोड़ा है। सर ये पड़ाका जिसने भी फोड़ा है वो बहुत हरामखोर बच्चा है। हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि उसने ऐसी जगह पड़ाका फोड़ा जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अबे ये बताओ, जब गेट पे सारे बच्चों के बैग चेक हो रहे हैं तो ये पड़ाके स्कूल के अंदर कैसे आ रहे हैं? सर इसका मतलब कोई स्कूल के अंदर ही बॉम्ब सप्लाई कर रहा है। कितने बॉम्ब चाहिए? सारे के सारे। एक खंबा लगेगा, आज स्कूल के बाहर मिलना दिलवा दूंगा। ठीक है। अरे थॉर भैया, अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तब? अबे निक फ्यूरी ने बॉम्ब की चेकिंग का जिम्मा मुझे दिया है, तो वो मुझ पर कभी शक ही नहीं कर पाएगा। अच्छा ये साला मेरा भाई ही धोखेबाज है, अभी जाके समुद्री डाकू को बता के आता हूँ। अबे यहाँ पे तो लोकी खड़ा था, लोकी ने अपनी बातें सुन ली, भागो यहाँ से। अबे सालो तुम लोग बहुत मनहूस हो, एक काम करो ये बॉम्ब पकड़ो और जाके स्कूल के छत से पीछे फेंक दो, मैं बोल दूंगा कि मेरे पास बॉम्ब था ही नहीं। ठीक है तू निकल, चलो टोनी फटाफट बॉम्ब फेंक देते हैं। अबे फेंक कौन रहा है? क्या मतलब? देख लोकी ने थॉर के साथ हम सबको भी देखा है, तो इसका मतलब हम सब भी पकड़े जाएंगे और समुद्री डाकू बस आता ही होगा। लेकिन समुद्री डाकू को जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक लोकी की बातों पे यकीन कौन करेगा? अरे तभी तो सर जी फटाफट छत पे चल के इस बॉम्ब को फेंक दो, तभी तो छुटकारा मिलेगा। अबे छोटे तू बॉम्ब फेंकने की बातें कर रहा है और भूल गया वो चैलेंज जो हमने एंटी पड़ाका टीम को दिया था। अरे हाँ टोनी, अगर हमने बॉम्ब फेंक दिया तो ये लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, और अगर हम एंटी पड़ाका टीम से जीत गए तो ये लोग लाइक और सब्सक्राइब दोनों करेंगे। हाँ यार ये तो इज्जत का सवाल है, इसलिए हम बॉम्ब फेंकेंगे नहीं, हम बॉम्ब फोड़ेंगे। लेकिन इतने सारे बॉम्ब, जब तक हम लोग एक एक करके फोड़ेंगे तब तक समुद्री डाकू हमें फोड़ देगा। अबे छोटे हम लोग बॉम्ब को माचिस से नहीं जलाएंगे, वरना वो तुरंत फट जाएंगे। हम लोग बॉम्ब को अगरबत्ती से जलाएंगे, एक एक बॉम्ब के साथ एक एक अगरबत्ती अलग अलग जगह पे रख देंगे, धीरे धीरे वो जलेंगे और सारे बॉम्ब एक साथ फूट जाएंगे। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया। साले हराम खोर। अरे सर मेरे पास बम नहीं है। बम कहाँ है? कहाँ है बम? अरे सर मुझे नहीं पता यार। सर इस थॉर के साथ टोनी क्रिस और स्पाइडी भी मिले हुए हैं। अच्छा चलो उनके पास, आज ये समुद्री डाकू निक फ्यूरी का असली रूप देखेंगे, इनकी ऐसी की तैसी। ओए मैं कैंटीन जा रहा हूँ, तुम दोनों क्या खाओगे बताओ? सर जी मेरे लिए एक पेटीज, मेरे लिए माउंटेन ड्यू, क्योंकि गला सबका सूखता है।
अरे सर मार क्यों रहे हो? बम कहाँ है? कैसा बम? काहे का बम? चुप हो जा साले, नाटक मत कर वरना मार मार के सुअर बना दूंगा, उड़ने लायक नहीं बचेगा। अरे सर हम तो कब से ग्राउंड में थे, अभी तो बस कैंटीन जा रहे थे पेटीज खाने के लिए। अबे तो हराम खोरो एवेंजर्स की छठी औलाद हो, बम कहाँ है? सर मैं छत से देख आया, इन लोगों ने बम स्कूल के पीछे भी नहीं फेंका है। कहाँ है बम? सर मुझे नहीं पता। अरे ये बम कौन फोड़ रहा है? अगर ये लोग नहीं फोड़ रहे हैं तो कौन फोड़ रहा है बम? पकड़ो सालों को। चलो पूरा स्कूल छान मारो। हैप्पी दिवाली दोस्तों, आपका आयरन मैन जीत गया। उप्स, सब्सक्राइब।